क्या आप इस प्रकार भिंडी का कुरकुरा मजेदार रेसिपी बनाए हैं? नहीं ना, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हम भिंडी को धूप में सुखा ली है। देखिए इतना अच्छे से पानी एकदम सूख गया है, तो चलिए इसे अब हम ले लेते हैं। और ध्यान देना है, पानी इसमें नहीं रखना है कुरकुरा बनाने के लिए। अगर पानी रहेगा तो हमारा भिंडी का कुरकुरा अच्छा नहीं बनेगा, ना टेस्टी बनेगा, एकदम खराब हो जाएगा। इसे हमें धूप में सुखाना है या पंखे के नीचे, तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की डंटियाँ हटा लेते हैं, ये नीचे का डंटियाँ, हमें डंटियाँ नहीं रखना है, डंटियाँ को हटा लेना है। अगर आपका बड़ा भिंडी है तो ये दो भाग में कर लेना है। और ये देखिए, हम आपको चीरा बता रहे हैं, इसी तरह चीरा कर लेना है। अगर आपको बीज नहीं अगर डालना है तो ये बहुत आसानी से इसी तरह हटा सकते हैं बीज को। ये देखिए कितने अच्छे से हम बीज हटा ले रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हम डायरेक्ट बीज को हटा ले रहे हैं। मोटा पतला बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से काट सकते हैं भिंडी को। तो चलिए इसी तरह हम पूरे भिंडी को काट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पतले स्लाइस में हम भिंडी को काट कर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चौथाई हम गरम मसाला डालेंगे। अगर आप गरम मसाला खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद करते मत डालिएगा। और स्वाद बढ़ाने के लिए आधा चम्मच सौंफ डालते हैं हम, और खट्टा बनाने के लिए आधा चम्मच आमचूर पाउडर, और इसी चम्मच से हम चार चम्मच बेसन डाल देते हैं। बेसन अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं, सभी मसाला और बेसन को। और नमक को हमें अभी नहीं डालना है, बनाते समय हमें डालना है। अगर हम चम्मच से नहीं अच्छे से मिला पा रहे हैं तो इस तरह हम हाथ से मिला ले रहे हैं। तक मसाला और बेसन अच्छे से चिपके ना, तब तक हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए मसाला और बेसन को हम नीचे ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला और बेसन चिपक गया है भिंडी में। तो चलिए अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारे तरफ बहुत काफ़ी हवा चल रहा है, तीजहर के समय में हम बना रहे हैं भिंडी का कुरकुरा। और ये देखिए हम चूल्हा अच्छे से जला लिए हैं, और चूल्हे पर कढ़ाई, और इसमें हम रिफाइंड डाल दिए हैं। आज हम बना रहे हैं रिफाइंड में। अगर आप सरसों का तेल में भी बनाना चाहते हैं तो सरसों का तेल में भी बना सकते हैं। तेल जब तक गर्म हो रही है तब तक इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और नमक को हम अच्छे से मिला ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों नमक हम इसलिए बाद में डाले हैं ताकि अगर हम पहले डाल देते तो भिंडी पानी छोड़ देता, तो कुरकुरा अच्छे से नहीं बनता, उतना टेस्टी भी नहीं लगता। तो नमक को भी हम अच्छे से मिला लिए हैं। तेल में से हल्का हल्का धुआं आने लगा है, और इसमें हम डाल देते हैं भिंडी, और एक बार हम नई फ्राई करेंगे। अब आँच को हमें मीडियम रखना है। और भिंडी को हम बस डंटिया से हल्के हल्के इस तरह कर देंगे, तुरंत हमें नहीं उलटना पलटना है। ताकि आपस में चिपके ना। चलाने के लिए अगर आपके पास लकड़ी है तो आप उससे भी चला सकते हैं, हमारे पास तो पलटा है, पलटे की डांटियाँ से हम चला रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह हमें पकौड़ी फ्राई करना है उसी तरह हमें भिंडी का कुरकुरा भी बनाना है। तो यहाँ हम प्लेट ले लिए हैं, और ये देखिए एक भी आपस में भिंडी चिपका नहीं है, कितने अच्छे से एकदम लड़छे लड़छे बने हुए हैं। तो चलिए इसे छन्नी से हम निकाल लेते हैं। तो
तो जो बचा हुआ है भिंडी इसे भी हम निकाल लेते हैं। उसी तरह एक पास हमें भिंडी को नहीं रखना है, अलग अलग गिराना है, चारों तरफ से हम फैलाते जाएंगे। दोस्तों इतना काफ़ी हवा चल रही है, इतना काफ़ी कि पूछे मत, आँख से ताक नहीं पा रहे हैं, धुआँ इतनी काफ़ी लग रही है। दोस्तों इतना मेहनत करके हम वीडियो शूटिंग करते हैं फ्रेंड्स, फिर भी हमारे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वॉच करें ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़े। तो इसी तरह हम दूसरा भी फ्राई कर लिए हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं इसी प्लेट में। और दोस्तों बनाना बेहद आसान है, कोई झंझट नहीं है ना कोई दिक्कत है, बहुत आसानी से आप घर पर बैठे ही बना सकते हैं। बहुत कम समय में बनने वाला है ये सब्जी, या सब्जी कहिए या कुरकुरा कहिए, टेस्ट उतना ही है। दोस्तों भिंडी का कुरकुरा बनकर तैयार हो गया है, इसके ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला लगा लेते हैं, टेस्ट और दोगुना बढ़ा देगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास चाट मसाला हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो इसकी जगह आप सेना नमक भी डाल सकते हैं, टेस्ट उतना ही बढ़ाएगा। तो ये देखिए हम अच्छे से मिला लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना कुरकुरा बना हुआ है, आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए कितना कुरकुरा बना हुआ है, एकदम लाजवाब बना है। दोस्तों हमारे कहने से एक बार ज़रूर बनाइएगा, देखिए कितना अच्छा कुरकुरा बना हुआ है। आप इसे चाय के साथ बहुत मज़े में खा सकते हैं, या रोटी पूड़ी परेठा कोई भी चीज़ से बहुत अच्छे से मज़े में खा सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसे स्टोर करके एक हफ्ते रख कर खा सकते हैं, ख़राब होने का चांस बिल्कुल नहीं है। अगर आप दाल चावल के साथ खाना पसंद करते हैं उसके भी साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों भिंडी कुरकुरा का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते रहेंगे इसी तरह एक नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।